नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीप आज आपके लिए एक और अच्छी मूवी लाया हूँ, जिस मूवी में हमें एक आदमखोर भालू दिखाया गया है जो काफी सारे इंसानों पर हमला करता है और उनको मार के खा जाता है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक काफी ज्यादा बर्फीली जगह दिखाई जाती है और वहाँ पर तीन लोग दिखाए जाते हैं जिसमें से एक का नाम मार्टिन होता है और वो तीनों किसी का भी इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक प्लेन आता है जिसमें से एक आदमी और दो औरतें निकलती, फिर वो सब मार्टिन के घर चले जाते हैं। और मार्टिन के घर पहुँचने के बाद हमें ये पता चलता है कि जिनको लेकर मार्टिन अपने घर आया है वो यहाँ पर फोटो शूट करने आए और वो आदमी फोटोग्राफर है। फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें एक अलग सीन में ले जाया जाता है जहाँ हम देखते हैं एक फीमेल साइंटिस्ट जिसका नाम हैना होता है, वो अपनी लैब में कुछ काम कर रही हो, लेकिन उसी काम के बीच उसे अपनी सीसीटीवी कैमरा में एक काफी बड़ा और खतरनाक भालू दिखता है जो उनकी लैब में घुस गया है। तो ये देखने के बाद हैना लैब में मौजूद बाकी स्टाफ को ये बताने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले वो भालू दो इंसानों को मार देता है, जिसको देखने के बाद हैना अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से मार्टिन के घर पहुंचते हैं जहां पर मार्टिन और सब मिलकर खाना खा रहे हैं और उसी समय मार्टिन वहां मौजूद सभी लोगों को बताता है नरभक्षी भालू के बारे जो इंसानों को मारकर खा जाता है और उसकी लंबाई 20 फुट से भी ज्यादा होती है। लेकिन वो फोटोग्राफर उसकी बात का मजाक बना देता है और उसको लगता है कि मार्टिन उसको डराने की कोशिश कर रहा है। फिर कुछ ही समय बाद वो फोटोग्राफर अपनी दोनों फीमेल मॉडलों को लेकर एक लोकेशन पर जाता है जहां पर वो फोटो शूट करता है। और इसी बीच मार्टिन अपने एक दोस्त के घर उसको फ्यूल देने जाता है और वो फ्यूल देकर वापस आ जाता है। लेकिन जिस जगह पर वो फोटोग्राफर फोटो शूट कर रहा होता है वहां पर एक दुर्घटना हो जाती है जिसमें उसकी एक मॉडल को एक भालू पानी के अंदर खींच ले, जिसको देकर वो फोटोग्राफर वहां से अपनी एक मॉडल को लेकर भाग जाता है। लेकिन उस फोटोग्राफर के साथ मौजूद एक आदमी जिसका नाम नेट होता है वो अपनी गन के साथ उस भालू का शिकार करने की कोशिश करता है। फिर तभी वो मॉडल और फोटोग्राफर मार्टिन के घर पहुंच जाते हैं। फिर वो फोटोग्राफर मार्टिन को सारी कहानी बताता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। ये सुनने के बाद मार्टिन वहां से अपनी आइस बाइक पर नेट को ढूंढने जाता है, पर वहां पर मार्टिन को उस मॉडल का कटा हुआ सर मिलता है। फिर वो उसके बाद मार्टिन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिन की जगह उसको वो फीमेल साइंटिस्ट मिल जाती है। तो मार्टिन उस साइंटिस्ट को लेकर अपने घर वापस आ जाता है और उस समय उस साइंटिस्ट की हालत काफी खराब है। और उस साइंटिस्ट को घर लाने के बाद जिसका नाम हैना होता है वो उसकी काफी देखभाल करते हैं। और इसी के बीच मार्टिन को उस साइंटिस्ट की आईडी मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि ये औरत एक साइंटिस्ट है और ये एक कंपनी में काम करती है जिस कंपनी का काम पर्यावरण में छेड़छाड़ करना होता है। तो मार्टिन को उस पर शक होता है। अब इसी बीच मार्टिन का दोस्त पफ उनके घर आता है और उसे पूरी बात पता चलती है कि एक मॉडल और नेट दोनों मर चुके हैं और उनका शिकार उस भालू ने किया है। अब पफ दोबारा अपने घर जाता है और घर पहुंचने के बाद उस पर भी वो भालू अटैक कर देता है जिसमें वो उसे मार डालता है। अब इसी बीच ये सब होने के बाद मार्टिन ये प्लान बनाता है अगले दिन किसी ऊंची चोटी पर जाकर रेडियो सिग्नल से किसी को सिग्नल देगा जिसके बाद उनके पास कोई प्लेन आ जाए जो उनकी हेल्प कर सके। इसी बीच वो साइंटिस्ट हैना सबको अपनी सच्चाई बता दी तो कौन है और उसके साथ क्या हुआ। फिर इसी बीच मार्टिन अपने दोस्त पफ को देखने उसके घर जाता है। अब वो वहां जाकर देखता है कि पफ को भी उस भालू ने मार दिया है। अब भाग कर वापिस अपने घर आता है और वहाँ बताता है भालू ने पफ को भी मार दिया और वो भालू हम सबका भी पीछा कर रहा है। नेक्स्ट डे मार्टिन अपनी बाइक से उस जगह के लिए निकलता है जहाँ जाकर उसको सिग्नल देना होता है, लेकिन बीच में उसे उस साइंटिस्ट हैना की कार मिलती है जिस कार में उसको प्रूफ मिलता है कि ये लोग ही इस सब के जिम्मेदार हैं। फिर ये देखने के बाद मार्टिन उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर जाकर उसको सिग्नल देना होता है और जब वो सिग्नल दे रहा होता है उसी समय उस पर भी वो भालू अटैक कर देता है जिसमें मार्टिन को काफी गंभीर चोट लग जाती है। मार्टिन छुकर अपनी जान बचा लेता है उस भालू से। फिर तभी वो भालू कुछ समय बाद मार्टिन के घर पर भी अटैक कर देता है जहाँ सभी लोग अभी मौजूद होते हैं। फिर वो एक एक करके सबको मार डालता है। फिर एंड में वो भालू हैना भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय टीन अपनी आइस बाइक से उस भालू को मार डाल और साथ में मार्टिन मरने से पहले हैना को बोलता है कि ये सब रोक दो, किस कारण से ये सब हो रहा है। अब एंड के सीन में हमें ये दिखाया जाता है एक कंपनी है का नाम क्लोबर्च है और वो कंपनी इस तरह के काम को पूरी दुनिया में कर रही है जिसमें वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करती है। फिर ये मूवी यहीं एंड हो जाती है और एंड में वो हैना भी हमें दिखाई जाती है जो उस कंपनी में साइंटिस्ट होती है और वो इस इंसिडेंट के बाद इस काम को नहीं छोड़ती और ना बंद करती है।